मैं सादिक खान, चेयरमैन आल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी, आज नाहन के प्रताप भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के समक्ष रूबरू हो रहा हूँ। हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन जो मकसद है वो ये है कि हमारी आल हिमाचल मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी की काफ़ी लंबे समय से हमारी कुछ डिमांड चार्ट्स हैं, हमारी कुछ मांगे हैं सोसाइटी की, जो काफ़ी लंबे समय से, लगभग पिछले 10 सालों से वो लंबित पड़ी हुई हैं, उसके समक्ष हम प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। और हमारी इस प्रेस के माध्यम से आज हम चाहते हैं कि ये हमारी आवाज़ जो है प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल श्री जयराम जी और हिमाचल के गवर्नर तक हमारी ये डिमांड चार्ट्स जो है सोसाइटी का ये पहुँचे, ताकि आने वाले टाइम में जल्दी से जल्दी शीघ्र ही हमारी इन मांगों के ऊपर प्रदेश सरकार जल्दी फैसला ले सोसाइटी के हक में, समुदाय के हक में, ताकि हमारे लोगों को भी राहत की सांस मिले। हमारा मेन जो है हमारा डिमांड चार्ट में जो हमारा पहला पॉइंट है सबसे बड़ा, वो प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के गठन की है। बहुत लंबे अरसे से हम चाहते हैं कि प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया जाए, जो कि एक बड़ी लंबी हमारे समुदाय की एक डिमांड है। और हमारे सराउंडिंग प्रदेश जो हैं पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और जितने भी हमारे हिंदुस्तान में 17-20 राज्यों में अल्पसंख्यक आयोग का गठन हो चुका है। और हमारा हिमाचल प्रदेश जो कि एक पहाड़ी क्षेत्र है और भौगोलिक स्थिति से हमारे यहाँ जो मुस्लिम समुदाय हैं, मनोटी के जो लोग हैं, उनकी जो हालत है वो बहुत दयनीय है, बहुत नाजुक है। उसको देखते हुए अगर अल्पसंख्यक आयोग का हमारी जो डिमांड है, इसको अगर प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी जयराम जी से हमारी गुहार रहती है कि इसको जल्दी से जल्दी इसका आयोग का गठन किया जाए, ताकि हमारे समुदाय से, मुस्लिम समुदाय से भी कुछ नुमाइंदे जो हैं वो इस आयोग के मेंबर बनेंगे। और वो नुमाइंदगी जो है, वो नुमाइंदे जो हैं वो प्रदेश सरकार प्रशासन तक हमारे लोगों की समस्याओं को, परेशानियों को जब पटल पर रखेंगी, तो उनको हल करवाने में हमें, हमारे लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत की सांस होगी। इसके अलावा एक 15-पॉइंट प्रोग्राम है राष्ट्रपति का, माननीय प्रधानमंत्री का 15-पॉइंट प्रसूति कार्यक्रम जो है, उसके ऊपर आज दिन तक कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। बहुत दिनों से वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मनोटी के लिए, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए वो एक प्रोग्राम बना है, उसमें बहुत अच्छी पॉलिसीज हैं, मनोटी को रिप्रेजेंटेशन उसमें नुमाइंदगी है, मगर आज दिन तक उस पर भी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। उसकी कोई प्रदेश स्तर के ऊपर कोई मीटिंग नहीं होती, जिला स्तर के ऊपर कोई मीटिंग नहीं होती, तो हम चाहते हैं कि उसके ऊपर भी फोकस किया जाए, ताकि जल्दी से जल्दी हमारी ये डिमांड चार्ट जो है इस पर भी अमल किया जाए। इसके अलावा बहुत से हमारी दूसरी हैं, जैसे उर्दू अध्यापक का है, काफ़ी लंबे समय से 100 पोस्टें जो उर्दू टीचर की क्रिएट हुई थी, सरकार द्वारा 32 पोस्ट तो फिलअप कर ली गई, मगर 68 पोस्ट अभी तक भी पेंडिंग पड़ी हुई हैं। जब भी हम सरकार के यहाँ सेक्रेटरेट डायरेक्टर एजुकेशन में बात करते हैं, तो वो बोलते हैं कि हमने सरकार से इसका मसला उठाया, सरकार को फाइल भेजी हुई है, मगर अभी तक उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश से गुहार करते हैं कि जल्दी से जल्दी उसके ऊपर भी फैसला लिया जाए, ताकि ये 68 पोस्ट जो हैं उनको फिलअप करके समुदाय के लोगों को एक राहत की उम्मीद जो है उनके ऊपर है, उसको राहत मिल जाए। तीसरा हमारा पॉइंट है कब्रिस्तान की भूमि के लिए जगह उपलब्ध करवाना। कब्रिस्तान के पूरे प्रदेश में बहुत सी जगह ऐसी है जहां पे कब्रिस्तान के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है समुदाय के। मैं, हमारा एक गुहार रहेगी कि इसकी में अलॉटमेंट के लिए, भूमि अलॉटमेंट के लिए मैं चाहता हूं कि एक ऐसा नियम बनाया जाए, उसको भूमि अलॉटमेंट को सरल तरीके से बनाया जाए, कोई ऐसा एक असर बनाया जाए, ताकि अलॉटमेंट में जो दिक्कतें या परेशानियां या अड़चने जो आती हैं,
जो भू विभाग के द्वारा वो उसको इमीडिएटली उसको इम्प्लीमेंटेशन किया जाए ताकि लोगों को कब्रिस्तान की भूमि जो है वो आसानी से अलॉटमेंट हो सके, ताकि बहुत से लोगों को प्रदेश में भूमि उपलब्ध नहीं है, भूमि का इंतकाल नहीं है एज ए ग्रेवयार्ड, तो इसके लिए भी सरकार हमारी इन डिमांड चार्ट के ऊपर अतिशीत शीघ्र से शीघ्र फैसला ले, ताकि समुदाय के लिए कोई ऐसा आसान तरीका बनाया जाए जिससे कोई ऐसा माध्यम किया जाए कि ताकि डीसी महोदय से कोई ऐसा लेटर इशू किया जाए ताकि शीघ्र से सरलता से आसानी से लोगों को भूमि का अलॉटमेंट जो है किया जाए ताकि उसमें दिक्कत परेशानी नहीं आए। तीसरा, हम अब प्रदेश समस्त जिला में प्रत्येक जिला मुख्यालय में हम एक चाहते हैं कि हमारा भी कम्युनिटी हॉल हो सोसाइटी का, और उसके लिए भी हम अभी जून के पहले महीने से हम प्रदेश स्तर के ऊपर एक दिन को फिक्स करके सोसाइटी द्वारा सभी जिला अध्यक्षों द्वारा डीसी के माध्यम से एक हम रिटर्न ज्ञापन जो है समस्त जिला मुख्यालयों से गवर्नर माननीय गवर्नर और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को भेजेंगे, ताकि समस्त जितने भी मुख्यालय हैं जिला मुख्यालय हैं वहाँ पे हमारे सोसाइटी के लिए कम्युनिटी हॉल के लिए भूमि जो है उपलब्ध करवाई जाए, और साथ में भूमि उपलब्ध कराने के अलावा भवन निर्माण जो है उसके लिए भी राशि जो है उपलब्ध करवाई जाए, ताकि हमारे लोगों को जो भी कोई विवाह शादियां या कोई प्रकार का छोटा मोटा कोई फंक्शन समुदाय का होता है उसमें लोगों को आसानी हो, उसको ऑर्गेनाइज करने को, कोई गरीब लड़कियों की शादियां हैं, बेसहारा लड़कियों की शादियां हैं, ताकि लोगों को हम बहुत आसानी हो जाए इन चीज़ों को। तो इस तरीके से हमारी ये डिमांड चार्ट है। एक हमारा और डिमांड है, ओबीसी कमीशन में हमारी कुछ जातियां जो हैं जो वो छूट गई हैं, जब से ओबीसी कमीशन से हमारी जातियां छूट गई हैं मुस्लिम समुदाय की, तो चुनिंदा कुछ जातियां हमारी छूटी हुई हैं। हम ओबीसी कमीशन से भी ये गुहार करते हैं ताकि सरकार जो है ओबीसी कमीशन का जल्दी से गठन करे, ताकि जल्दी से हमारे समुदाय को भी के नुमाइंदों को भी वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन का मौका मिले, ताकि हम उन छूटी हुई जातियों को उसमें ओबीसी कमीशन में एंटर करवाने में कामयाब हो जाए, ताकि जो हमारे ओबीसी समुदाय के जो मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग हैं जातियां हैं जो छूट चुकी हैं उनको भी लाभ हो। तो ये हमारा प्रदेश स्तर का एक हमारा डिमांड चार्ट है माननीय मुख्यमंत्री जयराम जी से, और गवर्नर के माध्यम से भी हम चाहते हैं हम जल्दी से जिलाध्यक्षों के माध्यम से इन चीज़ों के ऊपर हम फोकस करने वाले हैं। ऐसा है जी, ज्ञान बापी जो है वो जो मसला है वो पहले तो कोई ऐसा मसला नहीं था, सभी लोग अमन चैन और भाईचारे से रह रहे हैं हिंदुस्तान में, और हमारा भी एक ही मकसद है कि हम समस्त समुदाय के लोग जो हैं हिंदुस्तान में अमन चैन और भाईचारे का प्रतीक है, और यही हमारी संस्कृति है और यही हमारे देश की एक बहुत बड़ी धरोहर है। तो इसके ऊपर ऐसा है कि हम इसके ऊपर ज़्यादा कमेंट्स नहीं करना चाहते, क्योंकि ये कोर्ट में इसका केस चला हुआ है। अब गवर्नमेंट ने वहाँ पे जो एडवोकेट कमीशन जनरल जो है वो मुहैया किए हुए हैं उन्होंने उसका है, उसके मुताबिक जो भी साक्ष्य होंगे उसके मुताबिक न्यायालय जो फैसला देगा वो सभी को सर्वमान्य होगा। यहाँ पोषण वाला और माजरा में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अपनी थाने का घेराव किया गया था, क्या आपने भी वहाँ विजिट किया है? जी, तो क्या आप लोगों ने वहाँ मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ कोई बैठक की इस सिलसिले में कि वहाँ प्रधानमंत्री नहीं भावना बनी रहे? बैठक नहीं, मैं वहाँ पे गया था, उनके जिन जो अभी फरीद जी हैं जो अरेस्ट हुए हैं अभी उनको गिरफ्तार किया गया है उनके घर में एज ए मैं एक मानपता के तौर पर घर तक घर गया था, और हमारा मेन मकसद वहाँ लोगों को मैंने यही ये संदेश दिया है कि अमन चैन और भाईचारे का प्रतीक एक संदेश जो है पब्लिक में जारी किया जाए, ताकि कोई भी भविष्य में इस प्रकार की कोई वारदात को अंजाम ना दिया जाए। और सरकार से प्रशासन से मेरी ये गुहार रहेगी माननीय डीजीपी कुंडू जी से और एसपी जो सिरमौर जिला के हैं और जिला अधीक्षक जो हमारे यहाँ के, कि मैं ये चाहता हूँ कि इस प्रकार की जो इंसिडेंट ऐसे
जहाँ पे थिकली पॉपुलेटर मुस्लिम समुदाय और दूसरे अपने हैं, कहीं पे कुछ एरिया में हैं, तो वहाँ कोई ऐसे इंसिडेंट होते हैं तो उनको एक पीस मील कमेटी जो है एक फ्रेम कर करके जल्दी से कुछ हमारे नुमाइंदे जो हैं वो मुस्लिम समुदाय के नुमाइंदे जो हैं उनको बुलाया जाए। सोसाइटियाँ हैं जैसे हमारे और जिला सोसाइटी है हमारी और कुछ हमारे और अंजुमन इस्लामियाँ हैं, ऐसे लोगों को बुला करके कुछ दूसरे समुदाय के व्यापार मंडल है वहाँ जहाँ भी ये वारदात होती है और कुछ वहाँ के जिला परिषद हैं, कोई BDC मेम्बर हैं, उनको बुला करके एक पीस मील कमेटी करके ताकि कुछ सामंजस्य सेट किया जाए ताकि भविष्य में इस प्रकार की वारदात को अंजाम ना दिया जाए। सर, क्या आपके मेरे दो सवाल हैं आपसे। पहला तो ये कि आपको मेरे ख्याल से दो साल